दो तीन दिन से इतना तो देख ही लिए, ना ही यहाँ पानी सुविधा है, ना ही जिस वार्ड में वो लोग रहते हैं, चाहे GNM हो चाहे ENM चाहे अगर डॉक्टर हो, ना ही 24 आवर्स के लिए कोई डॉक्टर है, ना ही GNM ना ही स्टाफ है। नमस्कार साथियों, मैं वाराणसी जनपद के चोलापुर ब्लॉक के दानगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर तीसरी बार पहुंची हूं और आज लगभग 4 घंटे से यहां मौजूद हूं और आज यहां मेरी 8 से 10 लोगों से बात हुई है। ये वीडियो रिपोर्ट मैं बना रही हूं ये बताने के लिए कि यहां पर जो स्वास्थ्य केंद्र है इसके क्या हालात हैं। मैं आपको बताऊं उससे बेहतर होगा कि आप खुद ही देखें कि इसका क्या हालचाल है। कितने बजे की आई है? 9 बजे का। रात 9 बजे की? हाँ। क्या परेशानी हुई यहां पे आकर? परेशानी आप है कि हुई अभी सवेरे 4 बजे हमें बोतल चढ़ लगी बच्ची के। 9 बजे नहीं लगा? नहीं 9 बजे ना लगा, 4 बजे सुई बोतल लगल है, तभी बोतल निकलल है भाई के, तब ऐसे देखा खून जा था। डॉक्टर कोई नहीं है? नहीं, बस दाई जी है। तब भैया 10 बजे तब पहुँचवा तो कोरोना का सुई लग गई कि डिलीवरी देखी गई ना, सोइया नहा धो के तब सुई फूई लगाई है, तब वही न उधर रही है तो दाई जी हुआ दी है। टाइम तो नहीं है ना, नहीं जी है ना, ये तो जेट कोई डॉक्टर ही नहीं है, एक दाई है। दाई को क्या रहता है? दाई तो जो रहता है वही साफ सफाई यही सब का काम होता है बस। जो दाई है वो उसका हम बोलेंगे मैम उसका बच्चा देख लीजिए अभी हो जाएगा कि नहीं, 2 घंटा 3 घंटा लगा, वो मतलब हाथ लगा कर देखी तो एक ही हाथ में ग्लव्स बोली पहनी है बताइए, वो भी सरकारी नहीं प्राइवेट पहनी है बताइए। और वहाँ का जिस में है वो, जिस वार्ड में है वो, वहाँ का टॉयलेट भी पास में है, जैसे जहाँ पेशेंट लेटा होगा बस उसके राइट साइड में टॉयलेट, वो इतना बास दे रहा है बताइए। और उसको 10 घंटे से वो रात से है पेशेंट बताइए, कुछ खाया भी नहीं है, कुछ पिया भी नहीं, उसका क्या लोग, वो दर्द अलग से हो रहा है बताइए। पेशेंट तो जान नहीं रहा है, वो दर्द से मरे चाहे वैसे ही मर जाए, कहेंगे कि 20 कोई सुविधा है ही नहीं। जब सुविधा नहीं है तो डिलीवरी क्यों हो रहा है, क्यों पेशेंट को बुला, जरा बंद करिए ताला मरवा दीजिए, हम तो कह रहे हैं। हम व्यवस्थाएं चाहते हैं, जैसे कोई पेशेंट आए तो बाहरी दवा ज़्यादा ना लिखें, पूरी दवा जितना सरकार दे रही है उतना पेशेंट को पूरी दवा मिलनी चाहिए। बिल्कुल। और डिलीवरी की जैसे पूरी व्यवस्था मिलनी चाहिए कि महिलाओं को दूर ना जाना पड़े, चोलापुर ना जाना पड़े। किसी भी तरीके का पेशेंट हो, चाहे एक्सीडेंटल हो, चाहे डिलीवरी केसेस हो, चाहे किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, जो भी यहाँ पे जो भी ऐसे होता है ना थोड़ा बहुत, जो भी दिल में रहे इन लोगों के लिए वो थोड़ा बहुत लगा देंगे पेशेंट को, चाहे कुछ भी हो। ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगा बनारस के लिए रेफर कर देंगे, धीरे से कह देंगे हायर सेंटर पे चले जाइए, वहाँ पे आपका अच्छे से इलाज हो जाएगा, चाहे वो गरीब की तरह हो, वो तड़पड़ाता रोता रहे 2 मिनट उसको देखें कि नहीं, ऐसा ना हो कि नहीं PSC पाया तो वापस चला गया पेशेंट, हम लोग को यहाँ कोई भी सुविधा नहीं मिला। पहले तो सब कुछ ठीक था जैसे, लेकिन ये कोरोना काल में जैसे हर चीज़ की कमी हो गई है। जैसे अभी तो पानी था हम लोग का, लेकिन अभी मोटर भी बिगड़ गया है, और सारा दिन इंजेक्शन लगाइए, अगर रात में डिलीवरी है तो उसमें भी आपको जगना है, रात भर डिलीवरी भी कराइए, फिर दिन भर टीकाकरण, ये कोरोना का वैक्सीन भी लगाइए, बहुत दिक्कत है। हर काम तो पानी से ही है, बताइए डिलीवरी रूम बदबू कर रहा है, फिर आपका वो अंदर का टॉयलेट है सब, जैसे कितना पानी कोई भर के लाएगा। ग्लव्स भी नहीं है यहाँ पे, हार्पिक सैनिटाइजर मास्क और ये ग्लव्स कॉटन, ये सारी चीजें कब से नहीं है अस्पताल में? 3-4 महीने हो गया होगा। तो क्या चाहती हैं? सब कुछ मिले ताकि काम जो आराम से हो। यहाँ के स्टाफ और समुदाय से बात करके मुझे ये पता चला है कि यहाँ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं तो हैं ही, साथ ही साथ मूलभूत सुविधाओं की भी कमी है, जिस कारण यहाँ पर रहने वाले 18,000 लोगों को रोजाना समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मैं वीडियो देखने वाले आप सभी दर्शकों से अपील करती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर करें। मैं शबनम, जनपद वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, इंडिया, अनहट के लिए।